रहीम, आज की हमारी डिटेल्ड वीडियो जो है वो रियल एनालिसिस टू के। अगर आप रियल एनालिसिस टू पढ़ रहे हैं, सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। पूरी देखें, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कोर्स आउटलाइन, गैस पेपर और शॉर्ट पास पेपर और बुक्स के नेम। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस रुदन की बुक है, ये भी अच्छी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने फुल मार्क्स लेने हैं वो डिटेल वीडियो मैथमेटिकल एनालिसिस की बुक है, ये TM, ये भी पढ़ सकते हैं। ये इसकी रेंज पेज की बताई हुई है। गुलाम हबीबुल्ला की बुक है, इसके ये पेज की रेंज बताई हुई है। ये आउटलाइन है आपके पास। ये 2022 का पेपर जो है ये डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल सेमेस्टर एग्जामिनेशन है 2022 का। रियल एनालिसिस का कोड 502 है। इसके MCQs पे एक नज़र देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। काफ़ी चांसेस है कि इसमें से हाफ MCQs तो आपके आ जाएंगे। तो फर्स्ट MCQs देखते हैं। इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा ऑन ए बी, और इसकी रेंज ए, ये इंटीग्रल बना लेते हैं आपके पास, या ये आपके पास ए है, ये सी है और ये बी है, ये इंटरवल है आपके पास। तो आप इस ए से सी तक जाएंगे, फिर सी से बी तक जाएंगे, तो इसका ये बी जोस जो है ये ठीक है। तो सेकंड जोस है लेट एफ बी अ रियल वैल्यू एंड मोनोटोनिक फंक्शन ऑन ए बी, तो ये बाउंडेड वेरिएशन से आया हुआ है, इसका बी जोस जो है ये ठीक है। थर्ड पार्ट जो है इसका एफ एंड जी दो टू मोर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को दो फंक्शन हों, तो इसका डी जोस जो है ये ठीक है। वी ऑफ एफ प्लस जी लेसर इक्वल टू वी ऑफ एफ प्लस वी ऑफ जी। फोर है पी वन एंड पी टू पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी, देन पी स्टेरिक इज सेड टू बी देयर कॉमन रिफाइनमेंट हो गई, तो ये ए ऑप्शन पी वन यूनियन पी टू इक्वल है। फाइव जूस जो है लेट अल्फा एक्स बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, तो ये फॉरवर्ड वाला ठीक है, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। छठा नॉर्म ऑफ पार्टीशन, तो ये मैक्सिमम वाला जो है ये करेक्ट है। तो सेवन द सेट ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी, जाहिर सी बात है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक है। सेवन जोस जो है द सेट एक्स बिलोंग्स टू आर ए टू बी है, तो ये क्लोज इंटरवल है आपके पास, ये ए से बी जो है ये क्लोज इंटरवल है। तो नौवा जो है पी एंड पी स्टेरिक बी टू पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी, देन पी स्टेरिक इज सेट टू बी रिफाइनमेंट ऑफ, अगर पी कंटेन करता हो पी स्टेरिक रिफाइनमेंट, तो सी जो ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, जो वो भी बाउंडेड वेरिएशन होता है। ग्यारहवा जो एफ वन बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा, एफ टू बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा, तो दोनों का सम भी जारी सी बात है आर ऑफ अल्फा को बिलोंग करेगा। ए टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स बराबर है, ये होगा माइनस आ जाएगा इसमें, बी जो ठीक है माइनस बी टू है, जब आप लिमिट को चेंज करते हैं तो बाहर माइनस साइन आ जाता है। तो इसके बाद तेरहवा जो है लेट एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए बी एंड लेट अल्फा बी अ मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, तो इंक्रीजिंग होगा तो इसका बी जो ठीक है, ये ए टू बी लेस होगा ए टू बी बार, ये इंटीग्रल ऐसे लिखा हुआ है, ए के ऊपर बार डाला हुआ है बी है, तो एफ डी लेस देन है ए आ जाएगा, इधर बी के ऊपर बार आ जाएगा। एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो कहता है कन्वर्जेंट ठीक है। गैमा एक्स जो है ये आपके पास ए जो ठीक है, टी की पावर एक्स माइनस वन ई की पावर माइनस टी है। बीटा फंक्शन की ये डेफिनेशन है, गैमा और बीटा की डेफिनेशन जो है अच्छी तरह कर लें, ये MCQs और जो भी MCQs बनते हैं जितने भी थ्योरम है उनकी स्टेटमेंट आप अच्छी तरह कर लें, उनसे बनेंगे। लेट एफ बी बाउंडेड ऑन ए बी एंड पी बी पार्टीशन ऑफ ए बी, देन टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ऑन ए बी इज गिवन बाय, तो इसका ए जो ठीक है सुप्रीमम। बीटा फंक्शन एक्स इज कन्वर्जेंट, जारी सी बात है बीटा फंक्शन में दोनों वैल्यूज ग्रेटर देन होती हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, द इंटीग्रल ए टू बी
ये कन्वर्जेंट होता है जब एन छोटा होता है वन से। 20 है वन टू इन्फिनिटी पावर वन एक्स पावर पी है इज कन्वर्जेंट होगा जब एक्स की पावर पी है, तो फॉर ऑल पी, तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा 20 को। अच्छा आगे इसके जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है रिमान स्टिल्जिस से आया हुआ है, दूसरा इंटीग्रेबिलिटी फॉर थ्योरम जो है। अब ज़रूरी नहीं है कोई यही पेपर आए आपके पास, पास पेपर में से कोई एक आध क्वेश्चन लग सकता है, तो आप पास पेपर से आपको आइडिया मिलता है कि किन टॉपिक्स को टच कर सकता है वो। आप रिमान स्टिल्जिस वाले आप सारी प्रॉपर्टीज को करेंगे, ये इंटीग्रिबिलिटी वाले सारे थ्योरम करेंगे आप, डेरिवेटिव फंक्शन एग्जिस्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको अच्छी तरह कर लें, तीसरा क्वेश्चन जो है, और ये बाउंडेड वेरिएशन वाला ये आ सकता है, और ये बीटा फंक्शन वाला से आया हुआ है ये भी आपके पास, बीटा फंक्शन से एक क्वेश्चन आया है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट प्रूव दैट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट डिग्री इज कन्वर्जेंट। आप कन्वर्जेंट वाला जो है टॉपिक इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छी तरह करें, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवें का बी जो है स्टेट एंड प्रूव काशी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इन, ये 9/5/2023 का मेड का पेपर है, इसमें एफ इस बाउंडेड वेरिएशन से आया हुआ है, स्टेट एंड प्रूव काशी क्राइटेरिया फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी फंक्शन, ये पेपर इंपॉर्टेंट है इसका, ये फंडामेंटल ऑफ थ्योरम कैलकुलस ये भी कर लें अच्छी तरह। ये एक पास पेपर है रियल एनालिसिस का, एफ इस बाउंडेड वेरिएशन है, और ये जो क्वेश्चन है नंबर टू इससे मिलता जुलता भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ इंटीग्रेबिलिटी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव फंक्शन एग्जिस्ट है, बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन की सारे थ्योरम की स्टेटमेंट करनी है, ये बीटा फंक्शन वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छी तरह करें जी इसको, प्रूव दैट बीटा फंक्शन इज कन्वर्जेंट। ये पेपर से आपको आइडिया होता है कि कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है आपकी आउटलाइन में से, इसलिए आपको सारे पेपर जो है मैं शो करवा रहा हूँ। ये भी 2017 का पेपर है, क्यू इज रिफाइनमेंट हो तो रिमान इंटीग्रल से आया हुआ है, रिफाइनमेंट वाले से आया हुआ है, बाउंडेड वेरिएशन से आया हुआ है क्वेश्चन, और ये जो आप अभी हमने एमसीक्यूज एक पढ़ा है ये वो क्वेश्चन है एक, ये आपकी आउटलाइन है रियल एनालिसिस की, रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल जो है इसमें प्रॉपर्टीज जो है ये आपने रिमान स्टिल्जिस वाली करनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हमने बात की, बाउंडेड वेरिएशन की अब प्रॉपर्टीज जो है ये आपने अच्छी तरह करनी है, इनमें से आता है पेपर, ये टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस वाला टॉपिक जो है, एब्सोल्यूट वाला भी, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है आपका ये कंटिन्यूटी वाला टॉपिक है जो ये आपने अच्छी तरह करना। तो अब आप सेमेस्टर सिक्स जो है इसके इस पे आते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो आपके पास यहाँ रियल एनालिसिस टू का जो ऑप्शन आएगा इसको आप ओपन करेंगे। इसको जब ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो जितना मर्जी मटेरियल आपको चाहिए यहाँ से मिल जाएगा, ये सारे सॉल्व पास पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है मेड का है, फाइनल का है, असाइनमेंट है, अब आपको मिसाल के तौर पर ये नोट्स पड़े हुए हैं, सारे टॉपिक्स करने हैं आपने, ये पढ़े हो सारे, इसके बाद ये नोट्स हैं, ये सोल्व पेपर हैं सारे, ये भी नोट्स पड़े हुए हैं, ये एमसीक्यूज़ ऑनलाइन पड़े हुए हैं। अच्छा ये जो पीडीएफ है ये वाली, ये एमसीक्यूज़ हैं तकरीबन 50 हैं, तो इसको आप लाजमी करें जी, इसको ऑन करके ओपन करके, और इसके बाद मैथ सिटी एक वेबसाइट है वहाँ जो है आपको रियल एनालिसिस टू के नोट्स मिल जाएंगे, इजी से बने हुए, वहाँ भी आप विजिट करके वहाँ से कर सकते हैं। आपने अपर एंड लोअर बाउंड वाले, रिफाइनमेंट वाला करना है, इंटीग्रीबिलिटी काशी क्राइटेरिया वाला, फंडामेंटल थ्योरम जो कैलकुलस वो करना है आपने, बाउंडेड ऑफ वेरिएशन में एक टॉपिक आता मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला, वो भी आपने करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, अपने सोशल मीडिया भी शेयर करें,
इन सारी पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।